हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल के BBIP क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और यहाँ पर 30 MCQ आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल के आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, और हमने नए सिरे से फिर से क्लास स्टार्ट कर दी है। तो ये पार्ट वन है, आप लोग देख पा रहे हो, और आपको डेली एक दिन में 3 से 4 वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। यानी कि 100 क्वेश्चंस आपके एक दिन में कवर होंगे, और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस है। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं PDF पर और आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमने रखे हैं आज के इस क्लास में। तो आप लोगों को हमने पोलिंग की थी, वोटिंग की थी, आप लोगों से पूछा था कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए, तो वहाँ पर हिंदी के ज़्यादा आप लोगों के वोटिंग आए थे। और साथ में हमने आपको बताया था कि इंग्लिश की क्लासेस हमने पहले ले रखी हैं, और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आपको बीच बीच में देते रहेंगे, ठीक। 3 से 4 वीडियो अपलोड करेंगे एक दिन में। तो जिन लोगों को इंग्लिश की क्लासेस लेनी है, वो पहले वाले वीडियो जाकर देख सकते हो, PDF भी अवेलेबल है, PDF डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को आप पूरा वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद PDF को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक। तो आप लोग जिनको इंग्लिश की क्लास लेनी हो, पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल ये आप लोग भी इस जो कि इंग्लिश या हिंदी दोनों में आप लोग देख पा रहे हो, एक तरह से दोनों इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये आपके 3 वर्क हैं, इसको आप ज़रूर पूरा कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, यूनिक है। तो यूनिक क्या है, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के द्वारा घटित मुख्य कार्य है। तो कंप्यूटर के द्वारा घटित मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पर सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सारे के सारे राइट हैं, यानी कि ऑल द एबव यहाँ पर चूज किया जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस बीड़े के कंप्यूटर के लिए है, ठीक। तो जो माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है, तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, फोर्थ जनरेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, फोर्थ जनरेशन के लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देख पा रहे हो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, कौन सा है कंप्यूटर का मस्तिष्क, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन से और बहुत बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुख्य मेमोरी के दो प्रकार हैं। तो आप लोग ये देखो, मुख्य मेमोरी के दो प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक, मेमोरी के प्रकार के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो इन शब्दों को जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आप जवाब देने में गलती कर देंगे, ठीक। तो पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि मुख्य मेमोरी के दो प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा, रोम एंड रैम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का छठे नंबर का कि कंप्यूटर ना थकने वाला ना बोर होने वाला डिवाइस है, अतः इसे कहते हैं। तो जो ये कंप्यूटर की क्वालिटी है, ना थकने वाला ना बोर होने वाला, तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा, डिलीजेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर के क्वालिटीज़ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर के किस पीढ़ी से है, ठीक। सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर के किस पीढ़ी से है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर सी होगा, थर्ड जनरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, ठीक। तो ये बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आप लोगों को MS वर्ड, MS एक्सेल इन सभी के क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके आखिरी पड़ाव है आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम के, और आखिरी पड़ाव में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो आठवें नंबर का सी क्वेश्चन राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, रिसेम्बल्स बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, ये हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन से कंप्यूटर का LU से आने वाली कमांड की प्रतिक्रिया देता है, ठीक। तो कंप्यूटर का LU से आने वाली कमांड की प्रतिक्रिया देता है, इसका राइट आंसर यहाँ पर B होगा, कंट्रोल सेक्शन, यानी कि कंट्रोल यूनिट के नाम से जिसे हम जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
टेंथ नंबर के क्वेश्चंस पर कि लोक साधारणता को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो लोक साधारणता को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग था, क्या था मुख्य भाग, और ये 11 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, वैक्यूम ट्यूब्स एंड, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा स्क्रीन, हाँ वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्स, ठीक वेल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं 12 नंबर के क्वेश्चंस पर कि संकलन प्रक्रिया में मुख्य चरण होते हैं, ठीक संकलन प्रक्रिया में मुख्य चरण होते हैं, कौन से मुख्य चरण होते हैं, आप ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक आप लोग जल्दी से रीड कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए। 12वें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन, ठीक 12वें नंबर का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग देख पा रहे हो निम्न में से कौन सी आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुई थी, तो निम्न में से कौन सी आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुई थी, इसका राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, बोथ ए एंड बी, यानी SSIC और MSIC, ठीक यानी MSI और SSI ये दोनों प्रयोग हुआ था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग देख पा रहे हो 14 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या था, 14 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसका राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स, ये फिर से रिपीट हुआ है। और 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो डम्ब टर्मिनल में होता है, तो डम्ब टर्मिनल में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो फिल किए जाएंगे, तो ये 15वें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसका राइट आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कि क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन, जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि डर्म टर्मिनल में ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी संग्रहण डिवाइस डेटा अधिकतम मात्रा संग्रहित कर सकती है, ठीक तो निम्न में से कौन सी संग्रहण डिवाइस डेटा अधिकतम मात्रा संग्रहित कर सकती है, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क या कंपैक्ट डिस्क या मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क, तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, हार्ड डिस्क, जी हाँ फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1973 तक कौन सा कंप्यूटर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था, ठीक तो 1973 तक कौन सा कंप्यूटर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था, तो 17वां नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड, और इसका राइट आंसर ये होगा इनेक, जी हाँ फ्रेंड्स, और इन सभी के फुल फॉर्म के बारे में भी हमने वीडियो बना दिए हैं कंप्यूटर वाइब्रेशन, तो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा, और PDF भी अवेलेबल करा दिया है टेलीग्राम पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो, तो फुल फॉर्म वहीं से पूछे जाएंगे, ठीक। अब आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों को जोड़ने वाला भौतिक कनेक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, 18वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर बी, एड्रेस बस, जिसे हम भौतिक कनेक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि भौतिक कनेक्शन कहलाता है। और 19 नंबर के क्वेश्चन पर है कि अधिक डेसेंटी वाली डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण होती है, कितनी होती है, यानी कि संग्रहण यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी, तो 19 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, 1.44 MB, ठीक यानी कि 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, 20 नंबर का क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, 1906 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया, जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया। और आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक मशीन है जिसका अर्थ है, तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक मशीन है और जिसका अर्थ है, 21 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसका राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। आप लोग देख पा रहे हो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स एक मशीन है और जिसका अर्थ यहाँ पर है इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग देख पा रहे हो 80286 माइक्रो प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर है, 22 नंबर का एक क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, एट कंप्यूटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों का निम्न में से कौन
प्रक्रिया नहीं है। तो निम्न में से कौन प्रक्रिया नहीं है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ प्रोसेसिंग के बारे में पूछे गए हैं, तो निम्न में से कौन सी प्रोसेसिंग नहीं है। 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, गैथरिंग। जी हाँ फ्रेंड, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24 नंबर पर, कि डिजिट कंप्यूटर मुख्यता में विकास हुआ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो DTZ, हमने डिजिट पढ़ लिया उसके लिए माफ़ी, DTZ कंप्यूटर मुख्यता में विकसित हुआ, यानी कि उसका विकास हुआ या विकसित हुआ। तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी, USA में। जी हाँ फ्रेंड, इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि आधुनिक विशाल कंप्यूटर IBM पुराने समय में अलग नाम से जाना जाता था, जो 1924 में बदला गया। ठीक, तो जो IBM पुराने समय में अलग नाम से जाना जाता था, जिसे 1924 में बदला गया, तो वो पहले कौन से नाम से जाना जाता था। तो 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, कंप्यूटिंग और टेबल्यूटिंग रिकॉर्डिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि एक तर्कसंगत अनुक्रम में डेटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, एक तर्कसंगत अनुक्रम में डेटा के व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो सॉर्टिंग, उसे सॉर्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, कि किसी कंप्यूटर में, कंप्यूटर के CPU में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी है। तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी है फ्रेंड्स, 27 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, टू कंपेयर नंबर्स, तार्किक। ठीक, यानी कि लॉजिकल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि अबेकस प्रथम था, तो अबेकस प्रथम कौन सा कंप्यूटर था, यानी कि अबेकस कंप्यूटर ही था, पर कौन सा कंप्यूटर था। 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, मैकेनिकल कैलकुलेटर कंप्यूटर था। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि यदि कंप्यूटर में एक रैम में 16 बिट्स पता निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो पते की संख्या होगी, तो पते की संख्या क्या होगी। 29 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, 65536। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि निर्देश और मेमोरी एड्रेस के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, तो 30 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, बाइनरी कोड। निर्देश और मेमोरी एड्रेस के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, बाइनरी कोड्स। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चंस थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आप लोगों से एक क्वेश्चंस थे, जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, कि सबसे पहले कंप्यूटर आया या कैलकुलेटर आया। तो जो भी डिवाइस सबसे पहले आई, तो उसकी खोज किसने की थी, और साथ में कौन सी पहली डिवाइस आई थी, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक, खोज किसने की थी और कौन सी डिवाइस पहले आई थी, यानी कि पहले कंप्यूटर आया था या फिर कैलकुलेटर आया था, या कंप्यूटर आया था तो उसकी खोज किसने की थी, कैलकुलेटर आया था तो उसकी खोज किसने की थी। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और बहुत जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।